नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, एक सवाल बहुत अच्छा मेरे किसी YouTube फैमिली के मेंबर ने ही किया था कि सर हम क्रिमिनल एडवोकेट बनना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्रिमिनल एडवोकेट में जो होती है हम इनकम कितनी कर सकते हैं या कितनी हम अर्निंग कर सकते हैं पर मंथ एंड पर ईयर, हमारी जो हो जाएगी इनकम वो कितनी हो जाएगी, क्या हम सही तरीके से इसमें अपनी जो लाइफ है उसे चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तो आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आप क्रिमिनल एडवोकेट बनकर कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो, कितने रुपए कमा सकते हो महीने में और साल में कितना रुपए कमा सकते हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, सारा कंफ्यूजन आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है क्रिमिनल एडवोकेट को लेकर। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना जो भी सवाल हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से उसका आंसर जरूर देंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। क्रिमिनल एडवोकेट, क्रिमिनल एडवोकेट वो एडवोकेट होता है जो क्रिमिनल केसेस देखता है। अधिवक्ता की जब हम फील्ड में आने की सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि यार हम वकील बनते हैं या हमारे घर वाले कहते हैं कि आपको वकील बनना चाहिए, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो बात चलती है वो यही चलती है कि भाई हम काला कोट पहनकर गले में बैंड लगाकर जो टाई होती है, हम कोर्ट में खड़े हैं, हम मुकदमा लड़ रहे हैं, अपना जो क्लाइंट है उसको सेव कर रहे हैं, सामने वाले क्लाइंट को जो है, सामने वाले पक्षकार को जो है हम उसे हरा रहे हैं। यही चीज हमारे दिमाग में चलती है कि भाई ये कोर्ट है, इस तरीके से मैटर चल रहा। भाई 100 में से 80 बच्चे इस चीज को लेकर ही एडवोकेट बनते हैं कि भाई हम काला कोट पहन के कोर्ट में जाएंगे, इस चीज को लेकर ही, इस मेंटेलिटी को लेकर ही वकालत की जाती है ज्यादातर लोगों को। कुछ लोग होते हैं जो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसमें तो बहुत सारी चीजें बाद में खुल जाती हैं, क्योंकि लॉ एक ऐसी फील्ड है, ये एक जगह स्थिर नहीं है। ठीक है, यदि आप ये सोचो कि क्रिमिनल एडवोकेट तक ही ये सीमित है, ऐसा नहीं है। लॉ की फील्ड में, एडवोकेट की फील्ड में आप बहुत सारे तरह के एडवोकेट होते हैं जिसमें आप अलग अलग साइड में जा सकते हैं। ठीक है गाइस, भाई क्रिमिनल एडवोकेट, क्रिमिनल एडवोकेट बनना मुश्किल तो है, क्योंकि सारे सेक्शन याद करना, उन सेक्शन पर काम करना, उन सेक्शन से किस तरीके से रिलीफ लेना वो ध्यान में रखना। क्रिमिनल एडवोकेट, देखो एडवोकेट का तो पेशा ही दिमाग वाला, ये बात तो छोड़ दो कि भाई ये वाला पेशे में ज्यादा दिमाग लगेगा, इस वाले पेशे में कम दिमाग लगेगा, ऐसा नहीं है भाई। एडवोकेट के जितने भी टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है, टाइप्स ही कहेंगे कि भाई जोन से भी तरह का जो वकील होता, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो क्रिमिनल का हो, चाहे वो टैक्स का हो, दिमाग लगता है हर जगह। ठीक है, और देखो एक बात मैं और बता दूं, दिमाग लगता है तो अर्निंग भी उस तरीके से ही होती है, इनकम भी उस तरीके से ही होती है। ठीक है, जिस तरीके दिमाग लगता है उस तरीके से मेहनत भी होती है और उस तरीके से इनकम भी होती है। ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बात हमें बताई है, या तो आप घोड़ा बनकर कमा लो या आप गधा बनकर कमा लो, या आप दिमाग से चल लो या आप मेहनत कर लो। ठीक है, दो तरह की मेहनत होती है, एक तो दिमाग से और एक शरीर से। तो एडवोकेट के पेशे में जो मेहनत होती है वो दिमाग से होती है। अब बात करते हैं इसमें जो अर्निंग होती है। साथियों देखो, इसमें एक अर्निंग फिक्स नहीं है कि आपको इस इतना आपको मिलना ही मिलना है कि भाई वकील साहब है महीने में 20,000 रुपये कमाते होंगे, वकील साहब है महीने में 15,000 रुपये कमाते होंगे, या वकील साहब है महीने में 50,000 रुपये कमाते होंगे। इसमें कोई फिक्स नहीं होती, इसमें इस तरीके से होता है जितना आपके पास केस होंगे, ठीक है, जितने पास, जितना आपका सर्किल बड़ा होगा उतना ही आपकी इनकम होगी। भाई इसमें मान के चलो कि ये तो आप भूल जाओगे, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई इनकम होने की नहीं, क्योंकि एक बंदे का सर्किल भाई अगर 10 जनों में 20 जनों में भी है ना, तो वो 20 जने 40 जने अपने आप बता देता है कि हमारा यार है, हमारा दोस्त है, एक वकील है। ठीक है, अगर आपको कुछ काम करना है तो वहां करवा देंगे, उसे फोन मिला देंगे, क्योंकि यार जमानत होनी है, यार लड़ाई हो गई। ज्यादातर ना इस चीज के केस बहुत आते हैं कि यार हमारी लड़ाई हो गई, कहाँ हो, क्योंकि जरा छुटवा देना, ये केस बहुत आते हैं कि भाई। ठीक है, फिर और भी केसेस आने लगते हैं जब आप छोटे, देखो छोटे स्तर से शुरुआत होती है, हर सफलता के लिए पहले एक सीढ़ी चढ़ी जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरीके से चढ़ी जाती है। अगर सीधा पांचवी पे जाओगे
ठीक है, कि भाई सीधा आप पर मंथ ये सोचोगे यार मेरे पे 1,00,000 रुपए आने चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। लेकिन हाँ, जितना आप इस फील्ड को टाइम दोगे, जितना आप इस फील्ड में मेहनत करोगे, उतने ही आप निखरते चले जाओगे, उतना ही अर्निंग आती चली जाएगी। हमारे लॉ की फील्ड में भी कहते हैं, हमारे हमारे दादाजी भी कहते थे कि भाई अधिवक्ता वो मजबूत जिसने जितने साल कोर्ट में दे दिए, ठीक है, जो जितना कोर्ट में देगा साल उतना ही वो पैसे कमाता है, ठीक है, उतनी उसकी इनकम बढ़ता है। क्योंकि ये जो खेल है सारा ज्ञान का है, ये सारा प्रैक्टिस का, जितनी मजबूत आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी आपकी अच्छी तरीका होगा कि भाई केस जीतने का, उतना ही आपको पैसे मिलेगा। क्योंकि पैसे जो मिलते हैं केस जीतने के मिलते हैं, केस लड़ने के मिलते हैं, ठीक है। अब फिर एक चीज ये आ जाती है कि भाई हाँ, आपने परमानेंट आपके पास केस आने हैं और उन केस में एक पर्टिकुलरली आपकी इनकम आनी आनी है, ठीक है, और जो एक फीस है, क्योंकि एक प्रोफेशनल हो जाते हो भाई। देखो शुरुआत में तो ऐसा नहीं होता कि भाई आपको कुछ काम करना या नहीं करना, ठीक है, कि भाई क्योंकि जब आप प्रोफेशनली हो जाते हो, आप देखो हम हैं, अब हमारे पास जो केस आते हैं वो टैक्स से रिलेटेड आते हैं, हम बैंक के रिलेटेड आते हैं, क्योंकि हम उसमें ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कोई हमसे कहे कि भाई हम क्रिमिनल केसेस देख रहे हैं, देख लेते हैं, लेकिन हम उस तरीके से उनको डील नहीं करते, क्योंकि भाई वो हमारा तरीका नहीं है, हम जो मन भी नहीं लगता उस चीज़ में, ठीक है। तो प्रोफेशनल फिर आप बन जाओगे और अपनी एक जो सैलरी है या इनकम है, जो भी आप कहोगे इसे, ठीक है, जो फीस है, तो वो आप आराम से कमा लोगे कि भाई सीधी सी बात है, मैं इस केस को देखने के लिए 50,000 रुपये लूंगा, सीधी सी बात है, मैं इस केस को लड़ने के लिए 1,00,000 रुपये लूंगा, सीधी सी बात है, मैं तेरी जमानत करवा दूंगा लेकिन 1,50,000 रुपये लूंगा। तो इनकम इसमें मान के चलो, छोटे से स्तर से मान के चलो, महीने के 15 से 30 का एवरेज आप मान के चलो, मेरे हिसाब से आप 15 से 30 के बीच की इनकम मान के चलो जो आप महीने में कमा सकते हो, ठीक है, भाई थोड़ी बहुत मेहनत करके, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये नहीं कि भाई आप मेहनत नहीं कर सकते। ये साथियों मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीने के 20-20 लाख रुपए भी लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो महीने में 20 रुपए भी नहीं ले पाते, बहुत सारे ऐसे, कड़वी बात कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, कुछ साथी जो देखें जो चीज है, कुछ वकील ऐसे हैं जिनके खर्चे भी नहीं निकल पाते यार, बहुत कंपटीशन है इस फील्ड में, ठीक है। जिस कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं उसमें आप ये मान के चलो, मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ही 14 या 15 हजार रुपए है, तो ये मान के चलो कितने लोग होंगे वहां। तो साथियों यही चीज है कि भाई बहुत कंपटीशन है इस फील्ड में, और इनकम का इसमें यह है कि आप जितना इस फील्ड को टाइम दोगे उतनी ही इनकम होती है, इसमें फिक्स इनकम नहीं हो सकती, मैं ये तो कह सकता हूँ। हाँ भाई, आप 15 से 30 हजार रुपये आप कमा सकते हो महीने के, ठीक है, लेकिन मैं आपकी फिक्स इनकम नहीं बता सकता कि भाई आपकी, क्योंकि आप आने वाले टाइम में ना 15 लाख रुपये भी महीना कमा सकते हो। ये नहीं है कि भाई 15 हजार रुपये टिक गए, नहीं, आप महीने के 15 से 20 लाख, 15 से 30 लाख भी कमा सकते हो, जितना आप इस फील्ड को टाइम दोगे उतने ही आप निखरते चले जाओगे। तो साथियों सबसे पहले इसमें मेहनत करनी है, सबसे बड़ी चीज है इसमें आपको मेहनत करनी है, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही इनकम आपकी ग्रो होती चले जाएगी, उतनी ही इनकम आपकी बढ़ती चले जाएगी जितना आप इस फील्ड को टाइम देते रहोगे, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार जरूर दिखाइएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी हमारी वीडियो लग रही है। अब इस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट जिसके घर में कोई नहीं है उसे सिखाने वाला, उसका जिम्मा उठाया है हम लोगों ने सिखाने का, ठीक है। कुछ भी आपकी क्वेरी हो, नीचे मेरी कंपनी फर्म का नंबर है, आप बात कर सकते हैं मेरी फर्म से भी, ठीक है। इंस्टाग्राम देखो नीचे दिख जाएगा आपको यार, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, आजकल मैं इंस्टाग्राम पे बढ़िया बढ़िया रील्स आपको देख बस दिखा रहा हूँ, तो फॉलो कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।